हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं थ्रोम्बोलिसिस के बारे में। ये थ्रोम्बोलिसिस जो है वो न्यूरोलॉजी वाले चैप्टर जो आप मेडिसिन पढ़ोगे तो उस सेक्शन में है। और थ्रोम्बोलिसिस के बारे में जो ये थ्रोम्बोलिसिस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो वो किस चीज़ में यूज़ होता है, तो ये जो होता है वो स्ट्रोक के पेशेंट में क्या होता है यूज़ होता है। स्ट्रोक के पेशेंट में हम थ्रोम्बोलिसिस यूज़ करते हैं। तो जनरली होता क्या है कि जो आर्टरीज होती हैं, सेरेब्रल आर्टरीज, तो उसके अंदर जो होता है वो क्लॉट का फॉर्मेशन हो जाता है। अब वो क्लॉट का फॉर्मेशन हो गया तो उसको हमको तोड़ना पड़ेगा। वो क्लॉट को तोड़ेंगे, डिसइंटीग्रेट करेंगे, तो उसके लिए हमको थ्रोम्बोलिटिक एजेंट की ज़रूरत पड़ती है। और वो थ्रोम्बोलिटिक एजेंट जो है वो अगर क्लॉट को तोड़ देगा तो उसके बाद जो न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन आ रहे होते हैं स्ट्रोक के, तो वो ख़त्म हो जाएंगे और पेशेंट जो होगा धीरे 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 नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, तो हम आगे इस वीडियो में बात करते हैं कि मतलब कौन कौन से एजेंट जो होते हैं हम यूज़ करते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि इसमें इंडिकेशन क्या होते हैं थ्रोम्बोलिसिस की, फिर करना कब चाहिए, और कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या होते हैं कि करना कब नहीं चाहिए। तो ये सारे के बारे में बात करेंगे। अब हम बात करते हैं कि IVRTPA क्या होता है। IVRTPA का मतलब होता है कि इंट्रावेनस रिकॉम्बिनेंट टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। इसका जो बेस्ट एग्जांपल होता है वो रेटिप्लेज होता है। तो ये एक प्रकार का थ्रोम्बोलिटिक एजेंट है जो कि थ्रोम्बस को क्या करेगा, तोड़ेगा। तो अब एक स्टडी हुई थी जिसका नाम था द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर एंड स्ट्रोक। तो इस स्टडी ने बताया था कि जो IV रिकॉम्बिनेंट टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर हैं उनको अगर हम स्ट्रोक में यूज़ करते हैं तो वो यूज़फुल होते हैं। ठीक है, तो इस बात की प्रूफ जो है वो इसने दिया था। इसमें एक और पॉइंट है कि जो इन्होंने स्टडी की थी ये, तो इन्होंने पाया था कि अगर हम स्ट्रोक के ऑनसेट से 3 घंटे विदिन अगर हम ड्रग देते हैं IV इंट्रावेनस रेटिप्लेस वगैरह, तो उससे क्या होता है कि ये स्ट्रोक में बेनिफिशियल होता है। लेकिन फर्दर स्टडीज़ के बाद पता चला कि विद इन 4.5 आवर ये विंडो पीरियड होता है, इसके दौरान अगर हम यूज़ करते हैं रेटिप्लेस को तो वो इफ़ेक्टिव होता है। अब हम बात करने वाले हैं कि कौन कौन से कंडीशंस होते हैं जिसमें हमें रेटिप्लेस जो कि रिकॉम्बिनेंट टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर है वो देने चाहिए। तो सबसे पहला कंडीशन है कि अगर स्ट्रोक के क्लिनिकल फीचर्स दिख रहे हैं जिससे हम डायग्नोज कर सकते हैं कि हाँ ये स्ट्रोक का पेशेंट है, तो स्ट्रोक के क्लिनिकल फीचर्स में फास्ट करके हमने अगर लेमन वर्ड में बताया जाए तो फास्ट करके होता है, एफ का मतलब होता है फेशियल वीकनेस, ए का मतलब होता है आर्म वीकनेस, एस का मतलब होता है स्पीच में प्रॉब्लम जिसे एफेजिया जिसको कहते हैं, और टी का मतलब होता है टाइम। अगर टाइम ज़्यादा होता, टाइम जो होता है वो ब्रेन सेल्स के डेथ के प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि यहाँ पे टाइम इम्पॉर्टेंट है। तो ये हो गया हमारे स्ट्रोक के मैनिफेस्टेशन। तो स्ट्रोक की अगर क्लिनिकल डायग्नोसिस बन रही है तो हम यूज़ करते हैं रेटिप्लेस को। ठीक है, दूसरा जो होता है अगर सिम्टम जो आया है, सिम्टम का ऑनसेट होता है कि सिम्टम जो होता है प्रेजेंट कर रहा है, फेशियल वीकनेस हो गया, आर्म वीकनेस हो गया, और उसके बाद जो पेशेंट आया तो उसके बीच में जो ड्यूरेशन है वो अगर 4.5 आवर से कम है, मतलब 4.5 आवर से अगर कम है, तो तभी ये थ्रोम्बोलिटिक ड्रग्स को यूज़ करते हैं। अगर उससे ज़्यादा हो गया तो ये इफ़ेक्टिव नहीं हो, तो ये भी इंडिकेशन है। दूसरा, सीटी स्कैन जब हम कराते हैं, तो उसमें हेमरेज नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये थ्रोम्बोलिटिक ड्रग है। थ्रोम्बोलिटिक ड्रग की साइड इफ़ेक्ट होती है कि ये ब्लीडिंग कराते हैं, तो उसमें अगर हेमरेज है, सीटी स्कैन में अगर दिख रहा है हेमरेज है, सीटी स्कैन में हेमरेज होता है वो हाइपोडेंस एरिया के फॉर्म में दिखता है, तो अगर हेमरेज प्रेजेंट होगा तब तो और ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाएगी, तो इसलिए वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड हो गई। या कहीं एडमा प्रेजेंट है, MCA टेरिटरी के पास एडमा प्रेजेंट है कुछ रीजन के पास, मतलब कुछ अमाउंट से ज़्यादा अगर एडमा प्रेजेंट है तो उस समय बिल्कुल नहीं कराते हम थ्रोम्बोलिटिक ड्रग का यूज़। और उसके साथ साथ जो एज होना चाहिए वो 18 साल से ज़्यादा का पेशेंट होना चाहिए। ये कुछ जो है वो इंडिकेशन होते हैं फॉर थ्रोम्बोलिटिक ड्रग। ओके, अब हम बात करने वाले हैं कि जो थ्रोम्बोलिसिस होती है उसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या होती है, कौन कौन से केस होते हैं जिसमें हमको बिल्कुल भी थ्रोम्बोलिटिक ड्रग नहीं देने चाहिए क्योंकि उससे कंडीशन और वर्शन हो सकती है। तो सबसे पहला केस होता है कि जब जो
ब्लड प्रेशर है वो लगातार 185 सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और 110 डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, अगर ये कंटिन्यूस बना हुआ है तो हमें कभी भी थ्रोम्बोलिटिक ड्रग नहीं देने चाहिए, ठीक है, ट्रीटमेंट के बावजूद। ओके, सस्टेन 185/110 mmHg डिस्पाइट ट्रीटमेंट। फिर उसके बाद होता है कि अगर पेशेंट के अंदर ब्लीडिंग टेंडेंसी अगर है कोई भी तो उस समय हम नहीं दे सकते। तीसरा कॉन्ट्राइंडिकेशन होता है कि अगर कोई पेशेंट को रिसेंट हेड इंजरी हुई है, कोई हेड इंजरी हुई है या इंट्रा सेरेब्रल हैमरेज हुआ है, तो उस केस में बिल्कुल भी थ्रोम्बोलिटिक ड्रग को नहीं देना, क्योंकि ब्लीडिंग का चांस और बढ़ा देगा वो। फिर उसके बाद कोई पेशेंट जो है वो 14 दिन के अंदर कोई एक मेजर सर्जरी कराया है, तो उस समय हम थ्रोम्बोलिटिक ड्रग को बिल्कुल नहीं देंगे। फिर एक और इंडिकेशन होता है कि अगर GI ब्लीडिंग 21 दिन के अंदर विद इन थ्री वीक्स अगर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग हो रखी है, तो उस समय भी हम थ्रोम्बोलिटिक ड्रग नहीं देंगे। और उसके साथ साथ कोई रिसेंट मायोकार्डियल इन्फेक्शन का अगर सिनेरियो है, तो उस केस में हम थ्रोम्बोलिटिक एजेंट नहीं देंगे। तो ये सारे जो हो गए वो कॉन्ट्रा इंडिकेशन। एक बार फिर से मैं इनुमरेट कर देता हूँ, सस्टेन ब्लड प्रेशर 185/110 mmHg इवन आफ्टर ट्रीटमेंट, सेकेंड ब्लीडिंग टेंडेंसी प्रेजेंट हो, थर्ड कोई रिसेंट हेड इंजरी हुई हो या इंट्रा सेरेब्रल हैमरेज इसको कह सकते हैं, या मतलब दूसरा ऑप्शन, फिर कोई मेजर सर्जरी हुई है जो कि पास्ट 14 दिन के अंदर हुई है, कोई GI ब्लीडिंग है जो कि 21 दिन के विदिन हुई है, या कोई मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो, तो ये सारे जो हो गए वो कॉन्ट्रा इंडिकेशन हो गए थ्रोम्बोलिसिस के, इस समय थ्रोम्बोलिटिक ड्रग नहीं देते। ओके, अब हम बात करने वाले हैं कि जब हम ये IV थ्रोम्बोलिटिक ड्रग देंगे तो उस समय हम कुछ चीज़ों का ध्यान रखेंगे, जैसे उसके डोज जो होता है वो क्या देते हैं। तो जो डोज जो होता है वो 0.9 मिलीग्राम पर kg, ये इसकी डोज होती है। और मैक्सिमम डोज हम कितना दे सकते हैं, 90 मिलीग्राम, ये मैंने पहले भी डाटा बोल दिया है लेकिन फिर से मैं रिवाइज करा देता हूँ। फिर इसमें से जो बोलस है वो 10% बोलस के फॉर्म में दे सकते हैं। बोलस देने का ये एडवांटेज होता है ना कि जैसे ही हमने बोलस दिए तो वो इमीडिएट इफेक्ट दे, उसके बाद हम धीरे धीरे IV फॉर्म में दे सकते हैं। ओके, तो 1 आवर के विदिन जो होता है वो टोटल जितना डोज देता है वो देना होता है दे देते हैं। फिर उसके बाद जब हम ये थ्रोम्बोलिटिक ड्रग देते हैं तो उसके बाद 24 घंटे तक हम कोई भी एंटी थ्रोम्बोटिक ड्रग नहीं देंगे, फिर उसके बाद क्या होता है कि इसी ट्रीटमेंट के दौरान कभी कभार क्या होता है कि जो न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन है वो कम ही नहीं हो रहा है, या कभी कभार होता है कि जो यहाँ पे डायबिटीज सिचुएशन आ जाती है, ग्लूकोज को मॉनिटर करना डिफिकल्ट हो जाता है, तो उस समय हम क्या करते हैं कि थ्रोम्बोलिटिक एजेंट को तुरंत स्टॉप करते हैं, वहीं पे स्टॉप करते हैं और यहाँ पे क्रायोप्रेसिपिटेट देते हैं। ठीक है, क्रायोप्रेसिपिटेट देते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं, फिर से ब्रेन की इमेजिंग करते हैं और देखते हैं कि मतलब इम्प्रूवमेंट हो रहा है या नहीं। तो ये हो गया हमारे एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स। ओके, अब हम क्या करते हैं कि एक क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, और वो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, इसमें बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडिकेशन ऑफ थ्रोम्बोलिसिस इन स्ट्रोक पेशेंट। तो ये क्वेश्चन है कि थ्रोम्बोलिसिस के इंडिकेशन कौन से नहीं है। तो मैंने जैसे बता रखा है तो आपको मैं कुछ ऑप्शन दूंगा, 4 ऑप्शन, और उसमें से आपको बताना है कि कौन सा इंडिकेशन नहीं है, मतलब कॉन्ट्रा इंडिकेशन कौन सा। तो सबसे पहला ऑप्शन है कि इस्केमिक स्ट्रोक ऑफ लेस देन 3 आवर्स, पहला ऑप्शन, तो ये तो रूल आउट हो गया। मैंने बोला था कि इसमें पूछा गया कि कौन सा नहीं है, तो इस्केमिक स्ट्रोक ऑफ लेस देन 3 आवर्स तो इसमें तो यूज़ कर सकते हैं ना। मैंने बोला था कि इस्केमिक स्ट्रोक से अगर पेशेंट आ रहा है तो थ्रोम्बोलिटिक एजेंट 3 आवर्स तक यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद एक स्टडी की गई थी जिससे ये पता चला था कि 3 आवर्स नहीं, उसके बाद 4.5 आवर्स, 4.5 घंटे तक यूज़ कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन जो है वो हमारे गलत होते। सिटी स्कैन शोइंग नो हैमरेज और एडिमा ग्रेटर देन 1/3 ऑफ MCA टेरिटरी, ये भी मैंने बताया था आपको कि अगर कोई पेशेंट जो है उसकी सिटी स्कैन में अगर हैमरेज दिख रहा है या एडिमा नहीं दिख रहा, हैमरेज या एडिमा नहीं दिख रहा है, तब हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन मैंने बोला था।
फिर उसके पास सस्टेन ब्लड प्रेशर ग्रेटर देन 185/110 mmHg डिस्पाइट ट्रीटमेंट। तो ये मैंने बोला था कॉन्ट्रा इंडिकेशन का, तो यही आंसर है। फिर लास्ट वाला ऑप्शन है कि क्लिनिकल डायग्नोसिस ऑफ स्ट्रोक। तो क्लिनिकल डायग्नोसिस ऑफ स्ट्रोक है तभी तो यूज़ करेंगे ना, थ्रोम्बोलिटिक ड्रग जो होते हैं वो स्ट्रोक में यूज़ होते हैं। तो ये चारों ऑप्शन में से जो हमारा ऑप्शन नंबर 3 है वो आंसर हो जाएगा। तो ऐसे एक सवाल जो है वो मैंने करके आपको दिखा दिया। लास्ट में बस मैं ये कहना चाहता हूँ, थैंक्स फॉर लिसनिंग टू दिस वीडियो। और ये पहली बार मैं ऐसा कर रहा हूँ, तो अगर आपको पसंद आएगा तो आप प्लीज़ बताना मुझे कमेंट सेक्शन में, तो मैं ऐसे वीडियो बनाऊँगा। ये मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि जो प्रीप्लैडर की ये क्वेश्चन जो था वो मैंने प्रीप्लैडर से लिया था, तो प्रीप्लैडर के ऐप पर जितने क्वेश्चन हैं उनसे रिलेटेड जितनी भी थ्योरीज है वो मैं पहले बता दूँ, और उसका क्वेश्चन अगर एक दो क्वेश्चन है उससे रिलेटेड तो मैं बना दूँ। तो इससे क्या होगा, वीडियो भी जो होगा वो कंटिन्यूस में डालता रहूँगा, और क्वेश्चन जो है वो प्रीप्लैडर के हैं तो हाई यील्ड है, और उससे पीछे कोई थ्योरी भी कवर हो जा रही तो आपके लिए बेनिफिशियल भी होगा। तो अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।